10 में से 8 महिलाएं, यानी कि तकरीबन 80% महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी ना कभी सफेद पानी या वाइट डिस्चार्ज या म्यूकोरे की समस्या से जूझना ही पड़ता है। हम गायनेकोलॉजिस्ट की ओपीडी में जिस समस्या से सबसे ज्यादा लेडीज आती हैं वो होता है वाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर सीलो विशेषज्ञ आप सब व्यूअर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी टॉपिक से संबंधित शेयर करूंगी। हम जानेंगे समझेंगे कि वाइट डिस्चार्ज हमेशा ही समस्या होती है या वाइट डिस्चार्ज कभी कभी नॉर्मल भी हो सकता है, किन कंडीशंस में वाइट डिस्चार्ज अबनॉर्मल हो सकता है, इससे बचाव की तरीके क्या हो सकते हैं और इसका इलाज या रोकथाम किस प्रकार से संभव हो सकता है। तो अगर आप ये पूरी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति'स कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे। सबसे पहले इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं कि सफेद पानी होना क्या नॉर्मल भी हो सकता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है। आपका जो वजाइना होता है वो एब्सोल्युटली ड्राई, पूरी तरह सूखा कभी भी नहीं रहता है और उसका मॉइस्ट रहना, हल्का सा गीला रहना, लुब्रिकेटेड रहना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वजाइना सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन होता है, यानी वो अपने आप ही अपना सफाई करता रहता है। तो इसको आसान भाषा में यूं समझते हैं कि आपका जो वजाइना और सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह होता है उनमें कुछ ग्रंथियां या ग्लैंड्स होते हैं जो लगातार कुछ मात्रा में डिस्चार्ज सिक्रीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका वजाइना फिर मॉइस्ट रहता है, लुब्रिकेटेड रहता है, साथ ही साथ उसका पीएच बैलेंस का स्तर भी बना रहता है और इसके अलावा वो कीटाणुओं को भी वॉश आउट कर जाता है। इस तरीके से फिर आप इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचे रह सकते हैं। कुछ कंडीशंस में थोड़ी मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होना एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। वो कंडीशंस होती है कि जब आपका ओवुलेशन का समय हो होता है उससे कुछ दिन पहले आपको वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है, ये तरल पानी के जैसे होता है और ये प्रिपरेशन होती है जिसके चलते हुए फिर आपकी प्रेगनेंसी ठहरने, फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बढ़ जाए, जिससे कि स्पर्म्स वजाइना से होते हुए आपकी यूट्रस में आसानी से पहुंच सके। तो पहली कंडीशन तो हुई कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला उससे कुछ दिन पहले। जब महिला प्रेग्नेंट होती तो भी थोड़ी मात्रा में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस में, और कभी कभी जब महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रही तब भी थोड़ी मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होना एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। तो आखिर कौन सी कंडीशन होती है कि जो वाइट डिस्चार्ज आपके लिए चिंता का या समस्या का विषय बन सकता है? जब आपको वाइट डिस्चार्ज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए, यानी कि क्यूपियस इन क्वांटिटी हो जाए, उसमें से दुर्गंध आने लगे, उसकी वजह से आपको खुजली होने लगे, लालिमा होने लगे, कुछ रैशेस आपको इंटीमेट एरिया में डेवलप हो जाए, तो ये सारे कंडीशंस इंडिकेट करते हैं कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। इसके अलावा पूरे शरीर की बात करें सिस्टमिक कंडीशंस की, तो अगर आपको बुखार आने लगे या पेड़ के नीचे सिले में यानी कि पेड़ों में आपको दर्द होने लगे तो भी ये वजाइनल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत ही मिलना एडवाइजेबल रहता है। अब जानते कि वाइट डिस्चार्ज किन कंडीशंस, किन कलर्स में आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज पानी जैसा तरल ना होके या फिर हल्का से मिल्की व्हाइट ना होकर अगर वो येलो कलर का होने लगे तो इससे समझ में आता कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके साथ में आपको वजाइनल बर्निंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज दही या पनीर के जैसा थिक हो जाए, कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज हो जाए, इसके साथ आपको खुजली होने लगे तो ये फिर फंगल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज हल्का सा ग्रीनिश टिंज या ब्लड टिंज्ड हो जाए तो ये ट्राइकोमोनास की वजह से इंडिकेट कर सकता है। वजाइनल डिस्चार्ज में इन्फेक्शन होना यानी कि सफेद पानी की समस्या जो समस्या बन जाती है वो किन कंडीशंस में होने की संभावना ज्यादा रहती है? अगर आप बहुत लंबे समय तक टाइट कपड़े पहनते, टाइट क्लोथिंग, टाइट जीन्स पहन के रहती हैं, अगर आप सिंथेटिक अंडरगार्मेंट्स का यूज करती हैं, अगर आपने वजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं करी, वजाइनल हाइजीन से तात्पर्य है कि आप अपने आप को वॉश करते समय बहुत तेज धार से जेट या स्प्रे को वजाइना के अंदर डाल रही, इससे बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंटली इंटीमेट वॉशेस को यूज करती तो भी आपका बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तब भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने की संभावना होगी। इसके अलावा जब भी आप अपने आपको इंटीमेट एरिया को क्लीन कर रही हैं तब अपना हाथ अगर आप पीछे से सामने की तरफ लाएंगी तो फिर इन्फेक्शन आपके रेक्टम इनस यानी कि लैट्रिन के रास्ते से होते हुए फिर वजाइना तक पहुंच सकता है, तब भी आपको इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इंडल्ज होती हैं तो भी आपके वजाइनल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर बराबर मेंटेन नहीं कर रही हूं, यानी कि अगर जब आपके पीरियड्स चल रहा है तब आप अपने को क्लीन नहीं रख रही हैं और हर 4 से 6 घंटे में अपने पैड्स चेंज नहीं कर रहे, अपने टैम्पोन्स बराबर चेंज नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में भी वजाइनल इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, जिसके चलते फिर आपको सफेद पानी, लिकोरिया, ये समस्या आपको हो सकती है।
तो अब इसके इलाज के लिए आपको करना क्या चाहिए, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सब व्यूअर्स को समझाया था कि जब भी आपको वजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है या उसमें खुजली होने लगी, आपको कुछ इंटीमेट एरिया में कुछ रैशेस आ जाए, लालिमा होने लगे, वजाइनल इचिंग होने लगे और कर्डी थिक डिस्चार्ज होने लगे, तो ऐसी कंडीशंस में आपको बिना देर करे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। कुछ कंडीशंस जैसे कि कभी कभी आपको स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है या फिर आपकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से डाउन हो गई है, जैसे कि अगर टीबी के केसेस में या फिर आपको खून की कमी है या फिर अगर आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो भी आपको लिकोरिया की समस्या हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिलना चाहिए। आपके डॉक्टर्स आपको हिस्ट्री लेंगे, फिर आपका पर एब्डोमिन यानी कि पेट के माध्यम से एग्जामिनेशन, फिर पर वजाइनम यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन करके असेस करेंगे कि आखिर आपका डिस्चार्ज किस प्रकार का है और कौन सा इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना है, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो फिर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स कराया जाएगा, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो फिर आपको एंटी फंगल मेडिकेशन जैसे कि जोकॉन या फोरकान दिया जाएगा, या फिर आपको ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन है तो फिर अकॉर्डिंगली आपको दवाई दी जाएगी। इसके अलावा आपको वजाइनल पेसरीज यानी कि आप वजाइना के में महीने के रस्ते में अंदर रखने के लिए कुछ दवाइयां भी 7 रातों तक तकरीबन दी जा सकती हैं जो लोकली एक्ट करके फिर वहीं पर इन्फेक्शन को खत्म कर देंगी। इसके अलावा आपको इचिंग ना हो तो उसके लिए कुछ बाहरी तौर पर लगाने के लिए कुछ क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स भी प्रिस्क्राइब करे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखा समझा आपने कि सफेद पानी या लिकोरिया हमेशा समस्या की तरफ इंडिकेट नहीं करता, लेकिन किन कंडीशंस में ये समस्या की तरफ इंडिकेट करता वो आपके लिए समझना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिलना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी है तो कम से कम 5 से 10 परिचितों तक शेयर कर स्वजागरूकता के मिशन में अपना योगदान अवश्य दीजिए। कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्दी मुलाकात होगी, जैसे कि हमेशा कहती हूं अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।